हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आई होप कि आप सभी की यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि चुनाव भी हो चुके हैं और देखिए पेपर कब होता है। अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मई तो गई और रही जून के बाद, तो जून में भी हो सकता है महीने के लास्ट में पेपर हो जाए। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है और सिलेबस जैसे कि काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है, वरना बाद में सिर्फ पछताना रह जाएगा। कल ब्लॉग नहीं आ पाया है, मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ब्लॉग अपलोड करती हूँ, क्योंकि डेली नहीं कर पाती हूँ। तो कल थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, मेरे सर पे चोट लग गई थी और पहले सुबह से भी मैं काफ़ी परेशान थी, क्योंकि घर के बाहर से गेट से चाबी चोरी हो गई थी। इस वजह से मैं पहले काफ़ी ज़्यादा परेशान रही, तो उतना टाइम फिर मुझे टाइम नहीं मिला। और फिर इसके बाद मेरे सर पे चोट लग गई तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला। खैर कोई नहीं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम करते हैं पढ़ाई की बात। और जैसे कि आज हमने टारगेट रखा है, हिंदी में संधि पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें देखने हैं, और हमें देखना है कि हम उसमें से कितना कर पा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से संधि में किस प्रकार के पूछे जाते हैं। और गणित में हमें लाभ और हानि पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके लिए मैंने आपको कहा कि गणित और रीजनिंग मैं यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ, और आप जहाँ से आपको समझ में आए आप वहाँ से पढ़िए। लाभ एवं हानि आज का चैप्टर रहा है, और रीजनिंग में घन और घनाभ। और बात करें जीएस की तो संविधान का इतिहास आज मैंने पढ़ा है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और यूपी जीके की बात करूँ तो उसमें उद्योग और महोत्सव, ये बहुत देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। स्टैटिक जीके की बात करूँ तो उसमें हमें लोक नृत्य आज पढ़ना है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है पढ़ने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये आप कहीं से पढ़ सकते हैं, आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, आपके पास कोई और भी बुक है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। और मैंने बिहार वाली बुक से भी पढ़ लिया है, कुछ लूसेंट से पढ़ लिया है। और संविधान भी हर जगह पढ़ने को मिल जाता है, किसी भी क्लास की बुक हो उसमें संविधान के बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मैं सुबह उठते ही, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, सुबह 5 बजे से रात 12-1 बजे तक मैं सोती हूँ। तो ये जो भी आपको ब्लॉग में मैं दिखाती हूँ, ये मेरी सुबह से लेकर के रात तक का पूरा वीडियो रहता है। मैं पहले सुबह उठ के झाड़ू पोछा, क्योंकि अभी इस टाइम पे सिर्फ मैं अकेली हूँ घर पे, अंकल आंटी भी नहीं है और मेरी बहनें भी नहीं हैं, तो पहले मैं उठ के झाड़ू पोछा ये सब करती हूँ। और मेरी मम्मी आई थी थोड़ी देर के लिए, मम्मी बाहर से आई थी, तो मम्मी सिर्फ 2-3 घंटे ही रुकी थी, तो फिर मेरा समोसा खाने का मन कर गया तो फिर मैं बाहर समोसे लेने गई थी। उसके बाद मम्मी और बहन दोनों लोग चली गई हैं, और बस फिर आगे का फिर से वही अपना पढ़ाई का चालू करते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, एग्जामपुर से महाक्रांति बैच के साथ में जो 10 मॉडल पेपर ऑर्डर करने थे वो मैंने किए थे, और ये मैंने 30 अप्रैल को ऑर्डर किए थे, और जाकर कि ये कल आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं सोच रही हूँ थोड़ी और अच्छे से पढ़ाई कर लूँ और फिर मैं ये मॉडल पेपर इनको हम सॉल्व करेंगे, और ये एकदम पेपर की तरह है इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसमें OMR सीट भी दी हुई है, मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। और जब मैं सॉल्व करूँगी इनको तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग अगर कहेंगे तो मैं पूरे के पूरा मॉडल पेपर आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। संधि मैंने आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ा है, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इसमें काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये और बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हाँ बस इतना है कि इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। जिस भी पेपर में संधि से जो भी क्वेश्चन आया है इसमें सारे के सारे दिए हुए हैं, फिर वो PCS हो या कोई भी हो, हर उससे UPP, UPSI, हर एक पेपर में जो भी क्वेश्चन संधि से उठाया गया है उसमें सारे के सारे दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मेरे पास UPTET की यूथ की किताब है, उसमें भी काफ़ी अच्छे से ये सब दिया हुआ है। संधि आप कहीं से पढ़ सकते हैं, आपके पास हाई स्कूल इंटर की कोई बुक है आप वहाँ से भी संधि पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रूल वही होते हैं, सारी चीज़ें वही हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। मॉडल पेपर आने की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैं इनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और जब भी मैं ये मॉडल पेपर लगाऊंगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरा कैसा, मुझे कितना आ रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं मेरे।
और मुझे एक प्रैक्टिस सेट ऑर्डर करना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा प्रैक्टिस सेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आप लोग किस प्रैक्टिस सेट से पढ़ते हैं, आप लोग कौन से चैनल से या किस बुक से, कहाँ से, कैसे क्या पढ़ते हैं, आप लोग भी मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं भी कोशिश करूँगी कि यदि आप कोई और ज़्यादा अच्छा चैनल है या कोई अच्छी बुक से पढ़ रहे हैं तो मैं भी कोशिश करूँ कि मैं भी पढ़ूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, बुक सारी अच्छी होती हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से मन लगा कर पढ़ रहे हैं, उसको कितना अपने दिमाग में बैठा रहे हैं। और भारत के लोक नृत्य, ये भी मैंने बिहार एसआई वाली बुक से पढ़ लिया है और ये लूसेंट में भी दिया हुआ है, कई बुक्स में है भारत की संस्कृति, इसके अंदर ये लोक नृत्य वगैरह रहता है बहुत अच्छे से, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये बोरिंग नहीं है पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसके लिए कोई ट्रिक बना के भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने स्टैटिक जीके में ये सब पढ़ लिया, लोक नृत्य वगैरह, और संविधान पढ़ लिया मैंने, और लाभ एवं हानि मैथ में यूट्यूब से पढ़ लिया है, उसमें करीब 20-22 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ पाती हूँ, मैंने लाभ और हानि वहाँ से पढ़ लिया है यूट्यूब से। और हिंदी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि संधि मैंने पढ़ ही ली है। और रही बात रीजनिंग की, तो घन और घनाभ उसको भी मैंने पढ़ लिया है, लेकिन अभी मैं और उसको पढ़ूँगी क्योंकि इतने जल्दी थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो मैं भी उसको और पढ़ूंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसलिए पढ़ने में थोड़ा कम मन लगता है, ठंडियों में पढ़ने में थोड़ी ज़्यादा मन लगा करता है, इतनी भयंकर गर्मी है कि पढ़ने में ना आलस आता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है। तो आप लोग भी मन लगा करके पढ़ते रहिए और मैं भी पढ़ रही हूँ, और बस ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो एक न एक दिन उसका परिणाम ज़रूर अच्छा ही मिलेगा। एग्जामपुर में महाक्रांति बैच जो लाइव क्लासें चलती हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, कौन कौन ले रहा है कमेंट करके बताइएगा। मिलते अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।